बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। समझ की बातें मैं वेलकम करता हूँ। आज का टॉपिक है भैया हैप्पी बर्थडे। अब हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड जो भी लोग बोलते हैं, बर्थडे मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, केक काटना चाहिए, बिद्दत है, सालगिरह, वॉट एवर, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। जो जो मनाते हैं उनके लिए एक पैगाम है। सबसे पहले एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक छोटा सा हॉल था जिसमें एक बर्थडे पार्टी थी, एक बंदे की बर्थडे हो रही थी, उसके कुछ दोस्त आए हुए थे। तो उन दोस्तों में एक दोस्त था जिसका नाम था जुहैर। जब बर्थडे केक आया तो जुहैर ने आगे बढ़ के केक का छोटा सा पीस काटा और वेटर को बुला के बोला कि इसको नाले में फेंक दो जाके। तो जिसकी बर्थडे थी वो बड़ा कोई गुस्से में आया, शॉक हो गया, बोला भाई क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है, इस पर कोई मतलब कोई कीड़े वीड़े पड़ गए, खराब हो गया है, क्या हुआ है। तो जुहैर ने कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वैसे फेंकवा रहा हूँ। बोला भाई तो फिर क्यों फेंकवा रहा है, क्या रीज़न है। उसने बोला यार अभी बर्थडे मनाएंगे, तेरे मुँह पे केक लगाएंगे, तू जाके मुँह धोएगा और वो केक इनडायरेक्टली नाली में जाना ही है, तो क्यों ना मैं ही फेंकवा दूँ। इतना कहना था कि खामोशी छा गई पूरे हॉल में और 30 सेकंड के बाद वो जिसका बर्थडे था वो आगे बढ़ा और उसने जुहैर को रख केक चमाट दिया और बोला बकवास बनकर। और वैसे के वैसे ही उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया और वही हुआ, उसके मुंह पे केक लगाया गया, वो बाथरूम में केक धोने गया। जैसे उसने मुंह धोया तो वो केक वाकई नाले में गया और उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा है। फाइनली वो दिन था और उसके बाद जिंदगी में उसने जितने बर्थडे मनाए अपने, उन बर्थडेज पे जुहैर को नहीं बुलाया। हमारी यही आदत है। पर जोक्स अपार्ट, मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था कि कुरान में है कि खुदा कहता है कि खुदा ज़ाया करने वालों को दोस्त नहीं रखता, जो भी ज़िया करता है उसे खुदा तो कम से कम दोस्त नहीं रखता, ये कुरान की आयत है। इसके अलावा हम जितने भी ज़िया करते हैं उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट में जो देख रहा था इंटरनेट पे, फूड एंड एग्रीकल्चरल एसोसिएशन ऑफ UN 2017 की उसकी रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया में 20 करोड़ से ज़्यादा और पाकिस्तान में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ये हाल है हमारा, जो हम जो बफे वगैरह में जाते हैं और प्लेट को इतना ज़्यादा भर लेते हैं कि वो शायद प्लेट को भी उल्टी आ रही हो और फिर उसको छोड़ के आ जाते हैं। खुदारा इतना लें इतना आप खा सकते हैं, कहीं भी जाए, किसी भी रेस्टोरेंट में जाए, थोड़ा सा भी अगर रेस्टोरेंट में खाना बचता है तो उसको पार्सल करने में शर्मिंदगी मामला महसूस करें कि वेटर क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मेरी आदत है जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ अगर थोड़ा सा भी खाना बचता है वेटर से पूछता हूँ अगर ये किसी को जाएगा या वो किसी को दे देंगे या वो लोग खा लेंगे, बेटर, वेरी वेरी नाइस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसे पार्सल करा के छोटी सी थैली में लेके रास्ते में जाके किसी भी मुस्तहिक को दे देता हूँ। आखिर में US के 14th प्रेसिडेंट थे रोनल्ड रीगन, उनका कहना था वी कांट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन, सो वी हैव टू स्टार्ट हेल्पिंग एटलीस्ट समवन। थैंक यू।